धर्मशाला से अहम खबर है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान, विपक्ष के वॉकआउट पर उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता छीनने का गुस्सा, और बिना बजट प्रोविजन के कई संस्थान खोले गए थे, ये आरोप मुकेश अग्निहोत्री ने लगाए हैं। 5 साल में 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है सरकार ने, तमाम तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए मुकेश अग्निहोत्री। और कोई ऐसा मसला भी नहीं था जिस पे कि आप गुस्सा दिखाने की कोशिश करें। गुस्सा तो आपको सिर्फ एक बात का है कि आपसे सत्ता छिन गई है, और कुछ नहीं है। आप जितने भी सदस्य बोले, आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास क्या सब्सटेंशियल या क्या सब्सटेंस था ऐसा जो कि जिससे कि वो कांग्रेस ने जो यहाँ पे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आया है उसमें रचनात्मक बातें कही हैं, सकारात्मक बातें कही हैं। हमने कोई पोस्टमार्टम नहीं किया, हमने कोई उधेड़बुन नहीं किया। हम चाहते तो इस अभिभाषण में जो है 5 साल के पूरे कच्चे चिट्ठों का भी समावेश कर देते, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने आगे जाना है, हमने आगे बढ़ना है, हमें विकास की राजनीति करनी है, कल्याण की राजनीति करनी है। ऐसा है कि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो मंत्रिमंडल है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी की इतनी रुचि क्या है? कौन मंत्री होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस एरिया का होना चाहिए, इस जाति का होना चाहिए, अंदर ये यही चर्चा कर रहे थे आप? भाई आपका अधिकार ही नहीं है, आपका मैंडेट ही नहीं है। मंत्रिमंडल का तय करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, ये तय मुख्यमंत्री को करना है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है।